दिखाई है आपने गाने में, तो पता है कि कैसा एक्सपीरियंस इश्क का? इश्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है मेरे लिए, गाना ही है सिर्फ, लेकिन फिर भी मेरे जो स्टीरियोटाइपिंग लोग कहते हैं अरे तुम डांस करती हो नहीं करती, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है, तो ये एक डिफरेंट इमेज होगा मेरे लिए एक, और हर गाने का एक लाइफ होता है, एक स्टोरी होती है गाने के पीछे. सो राज आशु हैं जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, वो लेकर आए थे मेरे पास, उन्हें कहा मुदस्सर कोरियोग्राफ कर रहा है और दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी पैपी नंबर एंड पायल देव इज सिंगिंग. अब मैंने बोला ठीक है गाना सुना दो, गाना पसंद आएगा तो ज़रूर करूँगी. एंड गाना वॉज वेरी वेरी नाइस, मुझे लगा इट्स वेरी यू नो क्लब वाला गाना है. मेरे पास ज़्यादा गाने भी नहीं है इंडस्ट्री में, मैं मोस्टली ट्रैफिक सिग्नल, ओए लकी, अभी थिएटर कर रही हूँ, तो गाने ऐसे भी नहीं रहते हैं. और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आई एम ऑल्सो ट्रेन डांसर. मैंने लास्ट मेरा गाना सिंगम 3 में सूर्या के साथ था जो मैंने लास्ट ईयर किया था. सो वैन इट केम टू मी एवरीथिंग वॉज इन द राइट प्लेस, सब सही था और मुझे भी बहुत अच्छा लगा. मुदस्सर ने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया और अभिषेक डिड माई कॉस्ट्यूम, सो यू सी कॉस्ट्यूम लुक्स लाइक फिल्म का कोई गाना चल रहा है ना, जस्ट नॉट अ वीडियो, सो डिफरेंट नहीं है ज़्यादा. तो बस ये दो तीन दिन का शूट था एंड वी डिड अ ग्रेट जॉब. जितना भी शूट था हमने देखा काफ़ी एनर्जी दिखाई है आपने गाने में, एंड ओवरऑल कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस शूटिंग का? शूटिंग का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, हमने यहीं पे फिल्म सिटी में शूट किया था और गाना ही ऐसा है कि एनर्जी तो होनी ही चाहिए इसमें, अदरवाइज इट बी वेरी बोरिंग एंड डल अगर हमने उसमें इट बी वेरी बोरिंग एंड डल इफ अगर उसमें वैसे नहीं किया गया. तो आई थिंक आई हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग दिस, और एक्सपीरियंस भी ऐसा था क्योंकि वो बहुत सारे डांसर्स भी हैं तो उसको कोऑर्डिनेट करना और स्टेज पर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस हैं. आप देखे होंगे, आपने देखा होगा गाने में फूल वका एक पूरा बहुत ही खूबसूरत है वो, तो आर्ट डायरेक्टर भी बहुत ही अमेजिंग थे. सिंस मुदस्सर ने किया तो वो कोई भी कहते हैं ना कि नो स्टोन अनटर्न वाले बात है. एंड देन स्पॉट लैम्प का है ये, तो प्लेटफॉर्म भी बहुत ही अमेजिंग था. स्पॉट लैम्प प्रदीप गुहा ने सारा चीज़, मतलब ही इज़ ऑल्सो अ गाइड एंड अ फ्रेंड, तो मैं बहुत ही सेफ फील कर रही थी कि अच्छा ठीक है वो लोग लॉन्च करेंगे तो लेट्स यू नो We are in a good place. जी हम फूलों की हम बात कर रहे थे, हालांकि वो पूरा फूल का सेट बना था लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हम फूलों की पूरी वादियों में आ गए हैं, है ना? So, सिंगल एल्बम की अगर हम बात करें इन दिनों बहुत ही ट्रेंडिंग में है, जितने भी सिंगल एल्बम आ रहे हैं लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, तो कैसे देखती हैं आप नीतू जी सिंगल एल्बम को? सी सिंगल एल्बम की बात नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट हो छोटा हो बड़ा हो डिजिटल, आजकल के टाइम पे तो लिमिट नहीं रह गया ना, लिमिटलेस हो चुकी है प्रोजेक्ट्स और स्टोरीज हो सारी चीज़, तो गाने भी इतने सारे आ रहे हैं. आई थिंक सिंगल एल्बम्स तो ऐड ही करता है, अगर खास करके डांस नंबर हो, यू नेवर नो कि वायरल कब हो जाए, और ये गाना तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये वायरल ही होने वाला है, क्योंकि आपको पता है इश्का के पहले इसके शब्द कुछ और ही थे, वो था हुक का गुड़गुड़ावंगे, सिंस सेंसर ने हमें नहीं दिया उसका लाइसेंस, तो इश्का के जगह हुक्का की जगह बहुत मुश्किल से इश्का आया, बट इश्का ऑल्सो वर्क वेरी वेल, पीपल लव दैट इश्का वर्ड. तो वो फूल जैसे बनाया हुआ था, वो सारे चीज़ रोमांस में और इश्का के साथ इवन कनेक्ट भी हो गए, तो लकीली कहते हैं ना डेस्टिनी जिस चीज़ की होती है वही हो जाती है, ये गाना तो आई थिंक इट्स गोइंग टू डू रियली वेल. जी और हम देख रहे हैं कि ये गाना आप धीरे धीरे लोगों को पसंद भी आ रहा है, एंड इसके अलावा इन दिनों हम देख रहे हैं कि आप एले में रहती हैं, तो जरा बताइए कि कैसी है चल रही है आपकी एले की दुनिया, एले की वेदर कैसी है? एले का वेदर तो ऐसे ही बॉम्बे जैसे ही वेदर है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा है. मेरा आइडिया ये था कि आई जस्ट वांटेड टू ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके सिर्फ हॉलीवुड फिल्में करनी है मेरे, तो मैं रिकॉर्ड पे बोलना चाहती हूँ कि मैं वहाँ रहती हूँ लेकिन मैं प्रोजेक्ट सब जगह कर रही हूँ. कोरिया की एक टीवी सीरीज़ कर रही हूँ, कोरियन टीवी सीरीज़ कर रही हूँ, एक स्पैनिश फिल्म कर रही हूँ, अभी ग्रीक फिल्म है स्क्रीन पे, हिंदी में एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ, दो इंग्लिश कर रही हूँ, एक शॉर्ट फिल्म अभी ख़त्म हुई है द वर्स्ट डे. तो मैं तो काम करने के लिए हूँ, जहाँ भी अच्छे कॉन्टेंट आएगी, जहाँ भी अच्छी स्क्रिप्ट आएगी मैं वहीं भाग के चली जाऊँगी. आइडिया है कि ऑल्सो क्योंकि मैं ट्रेन मार्शल आर्टिस्ट हूँ और यहाँ पे एक्शन फिल्में कम बनती हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि फ़ायदा ही क्या हुआ अगर तुम ब्लैक बेल्ट 4 डन हो, इंडिया भी रिप्रेजेंट किया मैंने 3 बार, एक बार तुम ये बनता ही है कि मैं जाके अपने आप को एक्शन फिल्मों के लिए कोशिश करूँ बेस्ट, जहाँ पे बहुत सारी एक्शन फिल्में बनती हैं. सो एक वो एक आइडिया था, हो ना हो डिफरेंट बात थे, लेकिन हमारी ये मतलब कोशिश रहनी चाहिए कि आप जाके जस्ट गो देयर एंड टॉक टू पीपल से दिस इज़ व्हाट आई कैन डू, तो अगर वो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. इसलिए आप लोग की सबके विशेष सही, आई विल डू माय बेस्ट. हम सभी के विश आपके साथ में है. एंड इसके अलावा जो कोरियन का जो आप सीरीज कर रहे हैं थोड़ा उसके बारे में बताइए कि वो एक्शन ड्रामा है. हाँ एक्शन ड्रामा है और सब कोरियन है उसमें,
मैं बस थ्रू माय टाइकोंडो मास्टर मास्टर ली उन्होंने ही ऑफ़र किया था एंड आई थॉट कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हुआ क्योंकि अभी सब लोग ग्लोबल जा रहे हैं और आज जा रहे हैं और आज भाषा सिर्फ एक लाइन मात्र ही रह गई है नीचे तो सब सब टाइटल में हम कोरियन जापनीज मैक्सिकन तमिल तेलुगू पंजाबी भोजपुरी सब देखते हैं जो अच्छी फिल्म होगी तो कहीं भी चलने वाली है सो आई थिंक इसके कारण इट्स ईजियर एंड इट्स ऑल्सो अब मैं अपने आप को एज अ ग्लोबल एक्टर देखती हूँ तो आप जहाँ भी प्रोजेक्ट्स आएगा वहाँ मैं जाऊँगी वहाँ से काम करूँगा एंड इसके अलावा जो आपका हिंदी प्रोजेक्ट है जरा उसके बारे में कुछ बताइए नहीं इसके बारे में नहीं बताओगे मतलब लाइक नहीं आई एम लुकिंग रोमांटिक होगा नहीं नहीं रोमांटिक तो मैं मेरे कोई रोमांटिक फिल्म देखी है आपने नहीं अभी तक तो नहीं नहीं देखी है ना तो मेरे 27 फिल्मों में कोई रोमांटिक फिल्म है ही नहीं तो या तो मेरे चेहरे पर लिखा नहीं है कि मैं रोमांटिक फिल्म कर सकती हूँ एक्शन रहते ही मेरी फिल्म स्पोर्ट्स फिल्म होगी चूँकि मैं उमराव जान करती हूँ उससे ज़्यादा रोमांटिक क्या हो सकता है लेकिन हमेशा कोशिश करती हूँ कि अलग अलग चीज़ें करूँ स्पोर्ट्स मेरा एक पहला प्यार है ज़िंदगी का और मैं स्पोर्ट्स गर्ल से ही बड़ी हुई हूँ 9th में ही मैंने इंडिया रिप्रेजेंट कर दिया था टाइकवांडो में तो कोशिश हमेशा रहती है कि स्पोर्ट्स फिल्म करूँ और ये मेरी एक स्पोर्ट्स फिल्म होगी जो हिंदी में करूँगी तो ऐसे हम मानेंगे किसी पर्सनालिटी पर बायोपिक होगी या ये हाँ किसी किसी की बायोपिक है ये ज़रूरी है चलिए गुड लक